अनूपपुर की ओर से चौरा के पुल पर पहला सेशन, पहला रेड किस तरीके से अपना जो सेशन है उसको चलाते हैं, अपने आप को कितना सेफ रख पाते हैं, किस तरीके से सातों डिफेंस के बीच पर अंक ले जाते हैं, ये देख पाना मुश्किल, कह पाना मुश्किल, लेकिन यहाँ पर अच्छा मुकाबला होने की संकेत। और ये दूसरा रेड, पहला रेड इस एक एक कोने से अब अनूपपुर के कोर्ट पर चौरा के प्लेयर के द्वारा चांदी तोड़े ही सजी हुई टीम है, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बढ़िया अटैक, जैसे ही उन्होंने डबल थाई होल्ड करने का प्रयास किया था, एंगल से छूटती हुई और सीधे वन पॉइंट का इजाफा होता हुआ, चौरा ने अपना स्कोर बोर्ड को गतिशील प्रदान कर लिया है, एक अंकों के साथ अपना श्री गणेश खाते को चौरा है, उनकी डिफेंस काफी मजबूत है, अपने अगर कबड्डी में अपना नाम अगर कमाया है तो डिफेंस से कमाया है, काफी सुंदर टैकल है उनके पास, जबरदस्त स्किलिंग पॉइंट है जिसकी मजबूती पर हर टीम को टगोर पर पहुंचाने का काम करती है, लेकिन वहीं पर किसी से कमजोर नहीं, क्योंकि अगले बार अगले थ्री सीजन का डिफेंस चैंपियन बिरसा मुंडा जैसे अभी यहाँ पर कोर्ट पर मौजूद है। निश्चित छोड़ना चाहेगा कि जो बिरसा मुंडा है, मोनू है, उनको दगाउट पर पहुंचाएं ताकि हमारा खेमा स्कोर बोर्ड लगातार चलता रहे, लेकिन इसी बीच पर एक अच्छा मुकाबला चलता हुआ लगातार लाइव से लेफ्ट कॉर्नर को अपने आप में अटैक करते हुए, लेकिन कोर्ट पर अभी भी संघर्ष जारी है और किस तरीके से ये खेमा है, ये दगाउट है, ये कोल्ड है, उसको भुलाते हैं। और इसी प्रकार पर एक बार फिर से इंटेग्रेट करने के लिए चौड़ों के प्लेयर पांच डिफेंस के साथ मुकाबला चलता हुआ, जानते हैं खेमा बड़ा ये टेकआउट या बड़ा मुकाबला बड़ा मंच सजाने वाले हैं, क्योंकि आप दिल थाम के बैठे रहिए मेरे दोस्त, मजा नहीं आए तो मेरा इस मंच से निश्चित कहूंगा कि अगर इस मैच में मजा नहीं आए तो पैसा वापिस, क्योंकि अब मुकेश बिरसा मुंडा जिन्होंने अपने टीम के स्टार रेडर माने जाते हैं और बहुत ही फेडरेट डू डाई का संकेत आता हुआ फेडरेट, और यहाँ पर बोनस का कोई चार्ज नहीं, सीनियर खिलाड़ी है काफी उत्तेजित है, लगातार प्रयास टैकल, लेकिन अंत तक दावा विफल रहा था बिरसा मुंडा, मैं कह रहा था कि जो मोनू और बिरसा मुंडा एक ऐसे खिलाड़ी है जिनके उम्र में लग जाए तो नीचे चुको जैसे पहाड़ और ऊंचाई होती है, और इस तरह से भी सुपर टेकल ओवर, क्योंकि फेडरेट डू डाई लगातार एक के बाद एक अच्छा मुकाबला चलता हुआ, जानते हैं बोनस ओल्ड है लेकिन किस तरीके से खेमा ये समय ये संज्ञान को भुलाते हैं, ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन अभी भी ये खड़ी है, ये समय है, और उन्होंने दावा किया है बेहतरीन दो टच के माध्यम से वन पॉइंट का इजाफा किया है अनूपपुर ने। क्योंकि जिस तरीके से ये प्रदर्शन कर रही है अनूपपुर, दोनों टीमें लाजवाब प्रदर्शन कर रही है, खेल के अनुरूप खेल की पादस्तों को पेश कर रही है, और जबरदस्त एक बार इंकल होड, अब धीरे धीरे यहाँ पर एक अच्छी पकड़ मजबूत पकड़ पहली सेशन के लिए लीड बनाती हुई नजर आ रही है यहाँ पर अनूपपुर। क्योंकि चार डिफेंस के बीच पर मुकाबला चलता हुआ, जानते हैं कितना महज ये मुकाबला है, क्योंकि जो भी टीम यहाँ से जीतेगा अगले सेशन के लिए अगले राउंड के लिए कवरे प्रवेश करेगा, लेकिन यहाँ पर उसे छिटकती हुई लगातार पॉइंटों का इजाफा होता हुआ। लगातार यहाँ पर सुपर टिकल होने इस बार चौड़े के पास ही बड़ा दांव खेलने का मौका है, इस खिलाड़ी को अगर पकड़ते तो आपको महत्वपूर्ण दो अंक मिलेंगे, इसी बीच पर शांति डिफेंडर रेडर भी बहुत ही चतुर चलाक डिफेंडर है, क्योंकि एक सदी हुई अपने टीम के रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, और यहाँ पर 7-6-5 और एक बार एम्पेटी रेड,
अरे बार छोड़ा की ओर से लगातार सातों डिफेंस के बीच पर यह मुकाबला चलता हुआ, क्योंकि जानते हैं डिफेंस चैंपियन के तौर पर अपना ये दावा साबित करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है यहाँ पर अनुपुर। क्योंकि आप सुपर निकल हो रहे चौड़ा के पास अनुपुर के प्लेयर को पकड़ते तो आपको महत्वपूर्ण दो अंक मिलेगा, क्योंकि लगातार लेफ्ट से राइट कॉर्नर को टू टच बैक किक रनिंग किक और अभी भी कोर्ट पर संघर्ष जारी है, लेकिन जानते हैं ये बड़ा खेमा बड़ा मैच एक गलती कितना महत्वपूर्ण कर सकता है, क्योंकि जानते हैं बिरसा मुंडा एक लेफ्ट कॉर्नर को संभाली है और उनके उंगल से चुटक पाना बहुत ही मुमकिन नहीं, बड़ा मुश्किल भी है। ठगरे दो अढ़ाई का संकेत आता हुआ इस तरह से चौड़ा ऑल आउट की कगार पर यहाँ पर खड़ी है, और ये बिरसा मुंडा को रोक पाना मुमकिन नहीं, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सली हुए खिलाड़ी है, रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं अनूपपुर के, और इस तरह से ऑल आउट होती हुई चौड़ा, पहला सेशन अभी नहीं हुआ है और पहला गोला उनका लग चुका है। अब एक बार युवा नवोदित प्लेयर अनूपपुर की फालू 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 हेलो 32 सेकंड का खेल अभी भी बाकी है, एक से दो रन और मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर बेहतरीन अपने आप को प्रोफेस करते हुए जिस समय को भुनाया है और अपने आप को स्कोर बोर्ड को चलाया है, ये अनूपपुर के लिए काबिले तारीफ है, और ये लास्ट रेड होगा 30 सेकंड के बाद, और एक रेड और मिलेगा, ये लास्ट रेड होगा, निर्णायक ध्यान देंगे दोनों लंबा, इसके बाद लंबा विशेष पर जाएंगे, पारी अदल बदल इस रेड के बाद और बेहतरीन नटेक के साथ इस सेशन को समाप्त किया है अनूपपुर ने पहला से इस खिलाड़ी को टैकल करते हैं, ये डगआउट पे बैठाते हैं तो निश्चित तौर पे चौरा मार को एक एडवांटेज मिल सकता है, कम बैक कर सकते हैं, अभी भी 11-2 से खेल चल रहा है, तैसे नंबर जबरदस्ती से जबरदस्त अपने टैकल को चार डिफेंस के साथ खेल रही है, इस बार टैकल करने आए हैं, पॉइंट मिलेगा अनूपपुर को, जा पहुंची है अनूपपुर 14 अंकों में, जिस तरीके से एक तरफा परफॉर्मेंस कर रही है अनूपपुर की टीम, धुलकेदी जी आपको क्या लगता है कि यह टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर सकती है अनूपपुर? निश्चित अभी मैं तो यही कहना चाहूंगा यादव जी, जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है, जिस हिसाब से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी एक लाजवाब, हर एक टैकल हो, हर एक रन हो, जिस तरीके से वो कोई प्रेशर नहीं झेल रहे हैं अपने आप में, जिस तरीके से जो विपो पुरो की जो तमाम जो नियम है उनके अनुरूप समय टाइम स्कोर बोर्ड सबको देखते हुए अपने हिसाब से खेल की पारदर्शिता को पेश करते चले जा रहे हैं, और जानते हैं कि अब जो पहला सीजन रहता है, पहला सीजन में हमने काफी अंकों की लीड बना ली है और चारों को अभी भी हमने टग आउट कर रखा है, उस प्रकार से वो जानते हैं कि कोई प्रकार की हमको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समय को भुनाना है, और जैसे जैसे समय भूनता जाएगा अवसर हमारे लिए अच्छा होते जाएंगे और हम जीत की दहलीज की ओर खड़ेंगे, यही कहना चाहूंगा यादव जी। चपकी सेकंड आपका, ये 4:50 का खेल बाकी है फिलहाल, अनूपपुर के कोर्ट पर चौड़ा का रेडर एमटी के साथ वापस अपने कोर्ट पर जाएंगे, इस बार अनूपपुर के रेडर 3 डिफेंस से मौजूद है, चौड़ा माल के गोल पर बोनस सॉरी सुपर टैकल सिचुएशन पर, यहाँ पर सुपर टैकल ऑन है, चौड़ा माल के लिए एक ऑफर हो सकता है, अगर अगर कुछ कुछ इम्प्रूव करना है अपने खेल में, अंग तालिका में कुछ इम्प्रूव करना है तो इस खिलाड़ी को टैकल करना होगा, अभी भी 8-7-7-6-5-5-4 यहाँ पर पसीड करने के चक्कर में दो जीरो कमल अनूपपुर के गोल पर
जबरदस्त हवाई फायर और वही आसमान तक उड़ रहा है अनूपपुर के रनर के लिए सुपर टेकर सिचुएशन में निश्चित तौर पे अंक किसी भी टीम को यहाँ पर निश्चित तौर पे मिलेगा अनूपपुर को मिले या चौरा माल को मिले अगर इस खिलाड़ी को टैकल करते हैं तो निश्चित तौर पे दो अंक मिलेंगे चौरा माल को यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया गया है चौरा माल को मिलेगा दो अंक मिलेगा पॉइंट जहाँ पहुंचा है पांच अंकों में 14-5 से खेल चल रहा है अभी भी 9 अंकों में लीड अनूपपुर के पास है जबकि दो और ढाई खेल रहे हैं इस समय चौरा माल के डिफेंडर यहाँ पर टैकल कर लिए गए हैं पॉइंट मिलेगा इस बार अनूपपुर को फिर 15 अंकों में जा पहुंचा है जबकि दूसरे हाफ का 3:23 का खेल बाकी है जबकि सातवें खिलाड़ी है बहुत चालाक चतुर चुस्त फुस्त तंदुरुस्त टीम के डिफेंस में जबरदस्त संघर्ष करते हुए अंक की तलाश में जबकि 9 अंकों की नीड नीड पंद्रह पांच से खेल चल रहा है 7-6-5-10 अंकों की नीड है सॉरी 10 अंकों की नीड अभी अनूपपुर के पास में एक तरफा खेल चल रहा है कॉन्फिडेंस और यहाँ पे मैदान में कुछ परेशानियां दिल की वजह से होश गिरने लगा है तो 5-15 से खेल चल रहा है अभी भी अनूपपुर के पास में 10 अंकों की लीड है एक तरफा जबकि सेकंड हाफ का 2:34 का खेल बाकी है टीम के डिफेंस में इस बार स्ट्रगल कर रही है चौरा माल की टीम अगर इस खिलाड़ी को टैकल करते हैं तो निश्चित तौर पे 2 अंक मिलेंगे और 7 अंकों पे पहुंच जाती लेकिन ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा और यहाँ पर 6-5 और यहाँ पर देखना है कि इस पसंद करने के चक्कर में 0 जर्सी पे जीत रहे और यहाँ पर 0 3 जर्सी पे यहाँ पर 2 और 2.5 होगा 2 और 2.5 पर खेलेंगे जबकि सामने सुपर टेकर सिचुएशन से 3 खिलाड़ी मौजूद है और यहाँ पर देखना है किसी भी तरीके से पॉइंट लाना होगा इस खिलाड़ी को और वही अगर टैकल करते हैं चौरा माल के खिलाड़ी इस हेडर को तो निश्चित तौर पर 2 अंक मिलेंगे और चौरा पहुंच जाएगी 7 अंकों पर यहाँ पर रिफेल दिया गया है जी टास्क कर दिया गया अंक मिलेगा तो चौरा माल को तो चौरा माल जा पहुंची है 7 अंकों पर 15-7 से खेल चल रहा है जबकि यहाँ पर 2 और 2.5 है इस बार 1:38 का खेल बाकी है जबकि अभी भी 8 अंकों के लीड अनूपपुर के पास में अनूपपुर बढ़िया सभी हुई और बढ़िया साइंस है कबड्डी खेलते हैं अच्छा कबड्डी खेलते हैं उन्हें अनुभव है भरपूर किसी भी तरीके से बॉलर अटैम्प करके भी जाते हैं तो भी किसी प्रकार की कोई नुकसान भी नहीं होगा और यहाँ पर 6-5 और 4 का खेल बाकी है और यहाँ पर देखना है दावा कर रहे हैं फायर का निर्णय आना बाकी है पॉइंट मिलेगा इस बार अनूपपुर को अनूपपुर जब पहुंचा है 16 अंकों में स्कोर बोर्ड स्कोर यहाँ पर टीम डिफेंस बढ़िया खेल चल रहा है इस समय 58 सेकेंड का खेल शेष है हिसाब का अच्छे कबड्डी टाइम पास कर रहे हैं मुकेश कबड्डी के अपार अनुभव में 10, 9, 8, 7, 6, 5 इस बार फिर से जाएंगे 16-7 से खेल चल रहा है 9 अंकों के लिए अभी सिर्फ खेल का औपचारिकता ही बाकी है इस बार मुकेश फिर जाएंगे फिर टाइम लेने आएंगे मिड लाइन के पास में खड़े रहेंगे और सिर्फ इस खेल का औपचारिकता ही बाकी है इस रेड का 20 सेकंड बाकी है 19, 18, 16, 14, 12, 11, 10 और जबकि एक मिनट और रुकता है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 बाकी है इस खेल के सिर्फ और यहाँ पर लंबी विसल बजेगी और यहाँ पर अनूपपुर अगले दौर में प्रवेश कर चुकी है सभी दर्शक बंधु को बताना चाहूंगा अनूपपुर मंडला फरकी जैसे अच्छी टीम है सशक्त टीम है एक महामुकाबला देखने के लिए मिलेगा तो आगे